आज की इस वीडियो के अंदर हमने बना दिया है एक ऐसा ऐप, एक ऐसी एप्लीकेशन जिसकी मदद से हम इन सभी पटाखों को कहीं से भी चला सकते हैं, एक सेफ डिस्टेंस पे रह के, यहाँ से भी, घर से भी, घर के बाहर से भी, दूसरे शहर से भी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन बार में। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप भी अगर मेरी तरह हैं मिस्टर इंडियन हैकर्स के सब्सक्राइबर, तो आपने भी देखा होगा इनके पिछले वीडियोस में कुछ ऐसे वीडियोस थे जहाँ पर इन्होंने एक एप्लीकेशन की मदद से यहाँ पर जो पटाखे हैं वो फोड़ देते थे। वो अपने स्मार्टफोन को कुछ इस तरीके से पकड़ते थे और यहाँ पर क्लिक करते थे और जो पटाखे हैं वो फूट जाते थे सेम एग्जैक्ट टाइम पर। अब यहाँ पर बात सबसे बड़ी ये आ जाती है कि क्या ऐसा कोई एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च है जो कि यहाँ पर एक टैप में पटाखे को फोड़ सकता है। सो ये कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा है। सो आज के इस वीडियो में इसी कन्फ्यूज़न को मैं दूर करने वाला हूँ, क्या एक एप्लीकेशन की मदद से पटाखे को फोड़ा जा सकता है। सो सारी डिटेल आज के इस वीडियो में होने वाली है गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार अगर विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करके इनेबल जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसी क्वालिटी कंटेंट वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे देखने को मिल जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो दोस्तों यहाँ पर जब मैंने मिस्टर इंडिया हैकर के इस वीडियो को देखा और यहाँ पर जैसे ही मैंने कमेंट को चेक किया, मैंने भी कहा कि भैया आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी यहाँ पर एप्लीकेशन को डेवलप किए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कमेंट को चेक किया तो यहाँ पर देखने को मिला कि ये एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड होगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ पर बार बार यही कह रहे थे कि मुझे भी एप्लीकेशन का लिंक चाहिए, मैं भी इस एप्लीकेशन की मदद से पटाखे को फोड़ना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन नहीं बना है जिसकी मदद से एक सिंगल क्लिक में आप किसी भी पटाखे को फोड़ सकते हो। हालांकि जो वहाँ पर एप्लीकेशन आपने देखा था वो एक असली एप्लीकेशन है जो कि मिस्टर इंडिया हैकर ने यहाँ पर डिज़ाइन करवाया होगा अपने किसी भी ऐप डेवलपर से या फिर खुद से ही डेवलप किया होगा। बट ऐसा कोई भी एप्लीकेशन अभी तक नहीं है कि एक सिंगल क्लिक से आप पटाखे को फोड़ सकते हो। हालांकि उन्होंने फोड़ा था, ये भी बात सही है कि उन्होंने फोड़ा है, बट यहाँ पर फोड़ने का जो प्रोसेसर है, कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जो कि आपके पास होने चाहिए तभी आप पटाखे को फोड़ सकते हो। सिर्फ एक एप्लीकेशन से एक पटाखे को फोड़ना इम्पॉसिबल है और अभी तक ऐसा कोई एप्लीकेशन बना नहीं है। सो आइए मैं आपको उन इक्विपमेंट्स के बारे में बता देता हूँ जिसकी मदद से आप एप्लीकेशन के साथ पटाखे को फोड़ सकते हो। सो दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक मॉड्यूलर होना चाहिए और यहाँ पर आपके पास एक होना चाहिए डेवलपर बोर्ड, साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए एक TFTP में अकाउंट और कुछ केबल्स होने चाहिए। अब ये चार चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको पावर सप्लाई के लिए आपके पास होना चाहिए एक पावर बैंक या फिर बैटरी। अब दोनों भी हो सकते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, बट पावर बैंक और बैटरी से भी आपका काम चल सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक की यहाँ पर जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं है कि आप अपने घर के स्विच बोर्ड से ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक ले लो, ये सभी चीज़ों की जरूरत नहीं है। आपके पास पावर बैंक या बैटरी होगी तो भी आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पर जो मॉड्यूलर है और जो डेवलपर बोर्ड है, अब वो यहाँ पर ये काम करेगा, इंटरेक्शन पहुँचाने वाला काम करेगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो पटाखे कैसे फोड़े थे। अब यहाँ पर मॉड्यूलर और डेवलपर बोर्ड को एक साथ कनेक्ट करके उन्होंने बैटरी को भी एक साथ कनेक्ट किया था, एक लंबी सी वायर जो कि पटाखे की तरफ जाती है, वहाँ पर एक कॉपर का वायर लगा होता है जो कि यहाँ पर बैटरी से निकले हुए करंट को मॉड्यूलर तक यहाँ पर सप्लाई करता है। सप्लाई करने के बाद जैसे यहाँ पर कॉपर वायर गर्म होता है वो चिंगारी पैदा करता है और पटाखे की जो नोक है वो बहुत ही कम रखी जाती है, जैसे जैसे यहाँ पर क्लिक होगा और पटाखे फटाक से जो है वो फूट जाएंगे। अब मॉड्यूलर और डेवलपर बोर्ड यहाँ पर ये काम करता है, जैसे ही आप अपने स्मार्टफोन में यहाँ पर क्लिक करोगे तो उसमें एक प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग के तहत ही यहाँ पर पावर जो है वो सप्लाई होता है पावर बैंक या फिर बैटरी में से, और जैसे ही यहाँ पर कॉपर वायर जो है वो गर्म होता है, हीट होता है, वो फटाक से फट जाता है। अब मैं मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा ये बातें जो है थोड़ी अजीब लग रही होंगी, बट यहाँ पर YouTube पर ही एक ऐसा वीडियो अपलोड है जहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को आप फॉलो करके कैसे भी आप भी एक एप्लीकेशन की मदद से यहाँ पर पटाखे फोड़ सकते हो। सो उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप इन भाई साहब के चैनल पर विजिट करिए और यहाँ पर आप भी सीख जाएंगे कि कैसे आप एक एप्लीकेशन की मदद से पटाखे को फोड़ सकते हो जैसे मिस्टर इंडियन हैकर सर ने फोड़ा था। सो वो एप्लीकेशन जो था वो रियल था, बट सिर्फ एक सिंगल एप्लीकेशन से जो पटाखे को फोड़ना है
वो इम्पॉसिबल है। सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि ये एप्लीकेशन जो यहाँ पर मिस्टर इंडियन हैकर ने यूज़ किया था वो एक कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है जिसे आप पटाखे फोड़ सको। उन्होंने एक डिज़ाइन एप्लीकेशन किया था पटाखे को फोड़ने के लिए। आप भी अपने नाम का एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करवा सकते हो, फिर कर भी सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है, जिससे आप भी ये कह सकते हो कि मैंने भी एप्लीकेशन की मदद से पटाखे को जो है वो फोड़ा है। सो गाइज आशा करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको भी ऐसा कुछ करना है तो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार अगर विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करके इनेबल जरूर कर लीजिए, बिकॉज ऐसी क्वालिटी कंटेंट वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे देखने को मिल जाती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।